साड़ी और चूड़ी जरूरी है, किले की साड़ियाँ और चूड़ी करवा चौथ पे। जैसे हम कोई साड़ी लेके आए लहरिया की, तो आप वैसे ही चूड़ी बना देंगे, सेम मैचिंग बना दोगे। सो दैट्स रियली अमेजिंग, लुक एट द डिफरेंट लहरियाज दैट ही टर्न्ड इनटू बैंगल्स। एंड मोहम्मद जी हैज जस्ट टोल्ड मी दैट इफ आई गेट हिम अ साड़ी, ही विल मेक एन एग्जैक्टली सिमिलर बैंगल टू मैच द लहरिया कलर्स ऑन माई साड़ी। तो ये तीज के समय खूब बिकती होंगी। ये कौन सा लहरिया है? अच्छा। और एक समुंदर लहर है जयपुर का, जो मेरे को यहाँ दिख रहा है, बहुत फेमस है। समुंदर लहर में भी है ना? सो द समुंदर लहर इज अ रियली फेमस लहरिया, वेरी ट्रेडिशनल, एंड इट एक्चुअली व्हाट इट हैज इज द कलर्स ऑफ द रेनबो, एंड यू कैन सी देम राइट हियर। फेस्टिवल उसी तरफ से पहनावा होता है। अच्छा, और कोई सिटी में नहीं होता ऐसे, जयपुर में ही ज्यादा माना जाता है, जैसे लहरियों का, अब ये चुंदड़ियों का, इन सब का। जयपुर फेमस बैंगल स्ट्रीट द मनिहारों का रास्ता, वेयर द मनिहार और बैंगल मेकर्स सिट मेकिंग लाख बैंगल्स बाय हैंड। दिस इज अ स्किल दैट्स बीन हैंडेड डाउन फॉर जनरेशंस। ये एक पेड़ के लगी हुई चीज है, ये किसी केमिकल और किसी चीज़ से बनी हुई नहीं है। जिस तरीके अनाज की फसल होती है, इसकी फसल होती है, और ये कुदरती चीज़ है कि पेड़ पे से उतरने के बाद, छनने के बाद इस तरीके से हो जाती है, और फिर उसके बाद ये कलर बनाए जाते हैं। ये करीब काफ़ी पुराना काम है, और करीब 650 साल पुराना काम है, और इसके अंदर आज भी इसके कारीगर जो पुराने मौजूद हैं वही इसको काम को कर रहे हैं। This is Jaipur's most famous street, the street of lac bangle makers, and you can actually see people, craftsmen carrying out the tradition that they have followed for centuries. Right here, he's not got the fire going, but they sit right outside their shop and you can see them actually making lac bangles. It's called Maneharo Ka Raasta and it's a hot favorite for most women who line up. In fact, a lot of the bangles that you get here are very, very interesting. Something very traditional which I have just seen in this shop right here. The lac bangle makers were brought from Akbar Court to Jaipur by Sawai Jai Singh when he founded the city, and they have been here ever since. जब राजा जय सिंह फर्स्ट ने जब जयपुर बसाया, तो सबसे पहले जो हमारे जो राजस्थान के जितने भी बढ़िया बढ़िया काम करने वाले थे, सिलावटों का काम करने वाले थे, मूर्तिकार, ऐसे पन्नीगरों का काम करते थे, हम मनियार लाख का काम करते थे, तो इन सबको जयपुर में ला के बसा दिया। हम मनियारों के रास्ता, जब से ही हमारा ये मनियारों का रास्ता का नाम पड़ा है।